हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल झारखंड ट्यूब पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपने झारखंड के बिजली का बिल कैसे पेटीएम ऐप से पे कर सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें, कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि हमारा चैनल झारखंड ट्यूब एक झारखंड से रिलेटेड चैनल है। यहाँ पर झारखंड से रिलेटेड तरह तरह के वीडियो पोस्ट होते रहते हैं। तो अगर आप एक झारखंडी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद यहाँ पर एक घंटी छपेगी, उस घंटी को भी दबा लें ताकि हमारे अपलोड किए हुए वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। तो दोस्तों चलते हैं आज के वीडियो में, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों झारखंड बिजली बोर्ड का बिल पेटीएम से पे करने के लिए सबसे पहले हमें पेटीएम ऐप में जाना पड़ेगा। तो चलते हैं पेटीएम ऐप पे। पेटीएम ऐप को ऐप ओपन कर लेने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी का। यहाँ पर आपको अगर इसमें अगर ऑप्शन नहीं दिखे तो यहाँ पर मोर पे क्लिक करने पर मिल जाएगा। यहाँ पर एक मिल जाएगा, देख रहे होंगे यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, तो आपको इसमें क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ दो ऑप्शन आ जाएंगे। एक पहला ऑप्शन होगा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और दूसरा होगा अपार्टमेंट। तो अपार्टमेंट बड़े शहरों के लिए होता है, लेकिन बाकी जगहों के लिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इस पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट स्टेट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको जाकर अपना स्टेट को ढूंढकर सेलेक्ट कर लेना है। तो चलते हैं, यहाँ पर हम अपना झारखंड पहले सेलेक्ट कर लेंगे। और झारखंड सेलेक्ट करते ही आपके सामने नीचे एक और ऑप्शन होगा, आपको अपना जो स्टेशन है जहाँ से आपको बिजली मिलती है, सेलेक्ट बोर्ड यानी कौन से बोर्ड का बिजली आप देते हैं, वो ऑप्शन आ जाएगा। तो झारखंड में दो तरह का बिजली सप्लाई करने वाली दो तरह की कंपनियां, एक जमशेदपुर यूटिलिटी सर्विसेज है और दूसरा है झारखंड बिजली वितरण निगम। तो प्रायः सभी ग्रामीण एरिया और लगभग कुछ शहरों का जो बिजली बिल है वो झारखंड बिजली वितरण निगम के द्वारा दिया जाता है, तो आपको इसमें ओके कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने को कहा जाएगा। तो डिस्ट्रिक्ट में आपको अपना ज़िला का नाम नहीं सेलेक्ट करना है, आपको उस जगह का नाम सेलेक्ट करना है जहाँ से आपको बिजली मिलती है। जैसे कि मेरा बिजली यहाँ पर मिलता है मुझे गोमो से, तो मैं यहाँ गोमो सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने सर्च किया गोमो और यहाँ पर गोमो आ गया है, तो गोमो मैं सेलेक्ट कर लूँगा। तो इसके बाद यहाँ पर आपको और एक ऑप्शन कंज्यूमर आईडी डालने को कहा जाएगा। देख रहे होंगे गोमो डालते हैं, यहाँ पर कंज्यूमर नंबर का ऑप्शन आ जा रहा है। तो आपको यहाँ पर आपका कंज्यूमर नंबर जो है वो आपके जो बिजली का बिल आता है उससे में आपको लिखा हुआ मिल सकता है, तो उसको डाल देना है। तो मैं अपने अभी डाल देता हूँ अपना कंज्यूमर नंबर, ये मेरा कंज्यूमर नंबर है। इसको डालने के बाद आप जैसे प्रोसीड करेंगे तो आपके बिल का जो डिटेल है, इस महीने का आपका जो कितना बिल है वो लिखा हुआ आ जाएगा। देख रहे होंगे कंज्यूमर नंबर डालते ही यहाँ पर सारा डिटेल आ जाता है, ड्यू डेट कब से कब ड्यू है, बिल नंबर क्या है और यहाँ पर आपका कितना रुपया बिल है, ये अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड टू पे का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड टू पे में जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाएगा कि आपको कितना रुपया है झारखंड बिजली बिल में आप दे रहे हैं, जो अमाउंट है वो शो करेगा। इसके बाद प्रोसीड टू पे का अगेन ऑप्शन आएगा यहाँ पर नीचे, और यहाँ पर एक प्रोमो कोड का भी डालने का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप कोई प्रोमो कोड है ऑफर से तो वो भी डाल सकते हैं, या उसको नहीं डालना है तो आपको प्रोसीड टू पे में ओके कर देना है। और जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने यहाँ पर बैंक अकाउंट वगैरह चूज करने का ऑप्शन आ जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पर आपको बैंक सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर आप बैंक को सेलेक्ट करने के बाद पे सिक्योरली में ओके करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको जो UPI पिन है वो डाल के जैसे आप ओके करेंगे तो आपका बिजली बिल पे हो जाएगा और आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका बिल पे हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने बिजली बिल का भुगतान पेटीएम ऐप के द्वारा कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए हमसे ज़रूर जुड़े रहें। आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद।